Welcome to Time News Studios. You are watching 5 PM Bulletin. मुल्क में रुपए की बेकदरी ए डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर के मुल में 8.80 रुपया, ओपन मार्केट में 8 रुपया बाद अमेरिकी डॉलर जो मुल बधी 224 रुपया थी वो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बाढ़ाई। कारोबार दौरान 100 इंडेक्स में 600 का पॉइंट्स की घटताई। आलमी मुआशी रेटिंग एजेंसी फिच पाकिस्तान जो आउटलुक मुस्तहकम में काटू कर छोड़ो। वधंदड़ सियासी बोहरान कमजोर हुकूमत आउटलुक तब्दील थियण जा कारण करार। सिंध में जाली डोमिसाइल ए रिहायशी सर्टिफिकेट का पोए वड़े पैमाने ते परदेहन के तालीमी सनदों भी जारी थियण जो इंकशाफ। मेपो खास तालीमी बोर्ड में परदेहन के जाली सनदों जारी थियण की तस्दीक। जरियन मूजिब जाली सनदों मिलियल परदेही ताज़ो बोर्ड के इम्तिहान में भी वेठा हुआ। हसास इदारनि मेपो खास बोर्ड में कार्रवाई कर इम्तिहानी रिकॉर्ड तहवील में वठी छोड़ो। बोर्ड अमलदारन रिकॉर्ड लिकायण ए कार्रवाई का बचण लाय टे भेरा बाह जा वाकया कराया। सेक्रेटरी बोर्ड स्कैंडल ए हसास इदारन की कार्रवाई बाबत सिंध सरकार के लिखत में आगाह कर छोड़ो। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स खाते के इख्तियार स्कैंडल की तस्दीक कर यही इंतहाई हसास मामलो है जैसी जांच कई पी वे। स्कैंडल में मुलविस अमलदार खिलाफ़ एक्शन किया वो। लाहौर में हुकूमती इतिहाद PDM के सरबराहन जो अहम मुशावरती इजलास जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ अगुणो सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान सूदो बया अगवान इजलास में शरीक। इजलास में पंजाब की नंढी चूंड दौरान शिकस्त मुल्की सियासी ए मुआशी सूरत हाल से सलाह मशवरा। नवाज लीग तरफा चूंडू वक्त का अग न कराने बाबत फैसले का इतिहादन के एतमाद में वरतो वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ तरफा इलेक्शन कमीशन का PTI खिलाफ़ परदेही फंडिंग केस का फैसलो जल्द बुधाने जो मुतालबो। वजीर आजम पैं ट्वीट बयान में कमीशन से जोर भर है त देर जो शिकार परदेही फंडिंग केस से जल्द फैसलो बुधा वे। रियासती इदारन से हर हर हमले बावजूद इमरान खान के खुलियल छूट है और नई छूट मुल्क के नुकसान पहुंचाया है। आए डी करंसी लोडन में है। डॉलर जो मुल बधी रो है। मुल्की मईशत खराब है। सभी के मुल्क लाय कम करो पव। सुप्रीम कोर्ट जा नैब तरमीमन खिलाफ दरख्वास्त बुधनी दौरान रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी के रोस्टरन से घुराने बाद चीफ जस्टिस चो हसास मामलन से कानून साजी दौरान पार्लियामेंट में PTI छो न हुई। वे चो था कानून खिलाफ कानून ठो है। PTI के पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करण घुर्जे। तवा वट मानून जो एतमाद है। मुल्क कौम आईन के बारे में सोचो। पार्लियामेंट की जाए केर नो वी सके। नैब तरमीमन से बहस पार्लियामेंट बदरा अदालत में छो थे। मुझी जाती राय है त मामलो वापस पार्लियामेंट में वो। इन कानून से स्टे नो दई सकजे। एहतसाब अदालत में इल्तवा हेठ केसिस के इन केसिस से फैसले से मशरूत क्यों था। जेके एक्स और वाई हुआ उ जेड यानी खत्म थी वया। चाहूँ तो सुभाने ही शहबाज हुकूमत किराए सकूँ था। पंज हुकूमती MNAs असा सा राबते में आन। PTI अगवान फवाद चौधरी हुकूमत से गालन की बीहर मशरूत आछ कर शहबाज शरीफ चूंडन की तारीख जो ऐलान करे बाद में ऑप्शन्स डिठा वा तो क्या अगते वधी सकजे तो। 22 जुलाई से पंजाब में PTI की हुकूमत होंगी। 23 जुलाई से राणा सनाउल्ला अता तारड़ की पंजाब में दाखिला से पाबंदी लगाई वी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वट कुछ रियान फैसलो करे तो पान वो या असा खेस घर भेड़ो क्यों। कन खोले बुधो चूंडू तदें थन्दू जदें हुकूमत इलेक्शन कमीशन चाहिंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा छो डे। सिध समाजी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब चवा है सुप्रीम कोर्ट फैसलो दई चुकी है तो इमरान खान आइन तोड़ो। इमरान खान के जेतरी छूट मिली ओतरो गिची में पवो। इमरान खान पान के आइन ए कानून का मथे समझे तो। इदारन के घुर्जे त संदस खिलाफ़ कार्रवाई कन। मुल्क में इक़्तदार जो आगू सदाई सघारन धुरन परदेही कुवतन वट रही। बंद कमरन में फैसला थियण वाली रिवायत हाँ खत्म थियण घुर्जे।
आवाम सजाग थी वो ही बेहतर फैसला करे सके तो। पीटीआई अगवान असद उमर हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब दौरान है संदन पार्टी की तहरीक जो मकसद है इकतदार आवाम के चूंडियल नुमाइंदन वट होजन घुर्जे वो वक्त परे ना है जो मुल्क में हुकुमरानी जो फैसला आवाम कंदो। पीटीआई अगवान श्री मजारी पैंजे घर में हथायल डिवाइस मीडिया रो पेश करे छो। श्री मजारी है बेडरूम में मेज के हेठा डिवाइस मिली है खबर ना तो वह डिवाइस कें लगाई कड़ी एजेंसी अड़ो कम किया डिवाइस लगने वा मुखा कड़ी जान वन घुरन था चादर ए चौदीवारी जो तकदस ना रो मुल्क में कानून आईन जहा वख्या उड़े वह हैं। कराची में एहतजाज कदड़ उस्तादन तरफा तालीम के वजीर से गालियों कामयाब थे बाद एहतजाज खत्म करण जो ऐलान सूबाई वजीर सरदार शाह से मुलाकात दौरान उस्तादन के वफ तरफा मुतालबा पेश सूबाई वजीर के 2018 में कॉन्ट्रैक्ट से भर्ती थियल उस्तादन के पको करण की खातरी जायज़ मुतालबन की मनता ला एहतजाज कदड़ उस्तादन के गुजरियल ढी वजीर आला हाउस अगैं तशद्दुद जो निशानो बनाया वो हो। साल 2018 में 3000 का वधीक JEST अर्ली चाइल्ड टीचर्स भर्ती थिया हुआ। ओबावड़ो भर से सिंधु दरिया में बेड़ी ऊंदी थे सबब बुढ़ी वयल 29 मां 5 जणन जा लाशत बुढ़ी फौत थियलन जो अंग वधी 27 थी वो औरतों ने बारन सूधो बुढ़ी वयल 24 जणन जी बेड़ी भी गोला जारी गुजरियल ढी जानन से भरियल बेड़ी दरिया में ऊंदी थी पई हुई। ओबावड़ो की यूसी बांध ए मास्को में 22 जणन जा लाश जनाज नमाज बाद दफनाया वह इलाके वासन फौतन के वारसन जो चवण है सानह में घोटकी इंतजामिया को भी तहरुक न वरतो बुढ़ी वयलन के बचाने लाए तकड़न बुनियादन से उपान वरता वह सिंधु दरिया में बेड़ी बुड़न की थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड थियल वीडियो सामू अची वही। काजी अहमद भरसा जवाबदार मामूली गाल जाल सोहरे के कतल कर गोठ करीमाबाद में जवाबदार गुलाम कादिर जाल सोहरे के गोलन जो खाज बणाए फरार मकतूलन में लाल बख्श कलहोड़ो संदस धी आयशा शामिल पुलिस से चवण है तो शुरुआती जांच मौजूद मकतूल लाल बख्श पैं धी के वन वो तो जवाबदार नाठी साणस झेड़ो कर छापन की दावा बावजूद जवाबदार पकड़ में न आयो। जैकबाबाद में हाजिरी लाए पौतल ठुलवासी पीरसन जोड़ो सरेआम तशद्दुद बाद कतल मोटरसाइकिल सवार औरत सूधो बया हथियारबंद शहीद अला बख्श चौक से जोड़े के कत्ल करने बाद फरार मकतूलन में खादिम हुसैन संदस जाल सदोरी बंगलानी शामिल इलाके वासन जो चवण है जोड़े के तशद्दुद बाद गोलियों हुई व्यूं पुलिस चवण है मकतूल खादिम हुसैन ठुल में झेड़े दौरान एक जणे के कत्ल बाद कुटुंब सूधो सांघड़ लड़ी वो हो मकतूल वारसन जहूर बंगलानी धुर से जोड़े जो कत्ल जो इल्ज़ाम हयो आहे धुरन में संगावती तकरार तां छेड़ो हलंदड़ आहे वाके जे मुख्तलिफ रुखन में जांच जारी औरत सूधो ब्या जवाबदार पुलिस से पकड़ में न आया। पीपीजी शहीद MPA शहनाज अंसारी के वारसन से राजणी लाए मुबैना दबा शहनाज अंसारी की धी डॉक्टर फातिमा अंसारी रियासती की अदालत में पेशी बाद चो है जवाबदार धुर हिसाए रही है पर असा डिजण खामोश रहने वाला ना जवाबदारन सा कें भी सूरत में राजुणी न कंदी अदालत में इंसाफ की उम्मीद है रियासती की अदालत जवाबदार धुर के वकीलन हतमी दलीलन लाए बिन दिन की मोहरत दे छी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ से गड आऊं मैं हां ताहिरा वजीर हेडलाइंस वन रठियूं तफसीली खबरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।